हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जिसे हम कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी नोट से, वो भी एक क्विक रिवीजन की तरह। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज लिविंग, यानी ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड गिव रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। यानी वो एक ऑब्जेक्ट जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हो, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो फिर उसके पास सेल प्रेजेंट हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ होती हो, डेवलपमेंट होती हो, रिप्रोडक्शन यानी वो जो ऑर्गेनिज्म या जो ऑब्जेक्ट हो वो रिप्रोडक्शन करता हो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट यानी जो एनवायरनमेंट के बाहर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो उस एबिलिटी को सेंस कर सके, ठीक है, जैसे गर्मी या सर्दी को, एंड गिव रिस्पॉन्स उसी के मुताबिक वो रिस्पॉन्स भी कर पाए, या फिर मेटाबॉलिज्म, या फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ प्रॉपर्टी हो, मेटाबॉलिज्म। अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ किसी एक ऑब्जेक्ट में है तो उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। याद रखना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, या तो सेल्स प्रेजेंट होगी, ग्रोथ है, डेवलपमेंट होगी, उसकी ग्रोथ भी होगी, धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगी उसकी ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट होगा और मेटाबॉलिज्म होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी देते हैं ग्रो की, ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है ग्रो, इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल्स कैरेक्टराइज्ड ग्रोथ। यानी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जिसे बोलते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इंक्रीज करना, धीरे धीरे उसका मास जो है वो क्या होना, इंक्रीज होना, या फिर नंबर ऑफ सेल्स, या फिर किसी अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो सेल्स हैं उनके नंबर इंक्रीज होना, यानी 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज होना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ग्रोथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ बट एनिमल्स ग्रो टू सर्टेन एज। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रू आउट लाइफ जितनी लाइफ स्पेन होती है वो, यानी नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ तक जितना भी उनका लाइफ स्पेन होता है उसमें पूरी लाइफ तक वो क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते रहते हैं और उनका मास भी इंक्रीज होता रहता है, किसका, प्लांट्स का। बट एनिमल्स ग्रो टू सर्टेन एज, बट जो एनिमल्स होता है उनका जो नंबर्स ऑफ सेल्स हैं या फिर जो उनका मास है वो एक टाइम तक होता है, जैसे 18 ईयर्स तक बोलते हैं ना कि यहीं तक हम ग्रो करते हैं, यहीं तक हमारी हाइट जो इंक्रीज होती है, तो वही है, तो ग्रोथ होती है एनिमल्स की वो एक सर्टेन एज तक होती है, बट जो प्लांट्स है उनकी थ्रू आउट चलती रहती है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ग्रोथ इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज एक्सटर्नल। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल ऐसे मान लीजिए जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, उसके पहाड़ के ऊपर जैसे आइस गिर रही है धीरे धीरे, जैसे बर्फ़ होती है ना पहाड़ों पर, बर्फ़ गिरती रहती है, तो धीरे 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 उसके ऊपर बर्फ़ गिर रही है, तो धीरे धीरे जो उस पहाड़ है उसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो बर्फ़ उसके ऊपर इकट्ठा हो जा रही है, तो क्या उसके ऊपर है यानी एक्सटर्नल है। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी ग्रोथ कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है, बट इन लिविंग बींग्स इट इज़ इंटरनल। बट जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कैसे होती है, इंटरनल है, यानी जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे भी इंटरनल होंगे, या फिर जो मास होगा वो कैसा होगा, इंटरनल ग्रो करेगा। ये था ग्रोथ। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स टू प्रोड्यूस प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ देयर ओन टाइप। यानी वो लिविंग बींग्स जो प्रोड्यूस करके कुछ प्रोजेनी बनाए, अपने जैसे कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनाए और उनके अंदर उन जैसे ही फीचर्स प्रेजेंट हो, प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ देयर ओन टाइप। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है जो बिल्कुल जिसे छोटा बेबी करे उसके, और जो ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर सेम होते हैं, फिर धीरे 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 वो ग्रो करता है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप। यानी जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा लिखा है फंजाई के बारे में, फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फंजाई होती है, ठीक है, जो फंजाई क्या करती है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स क्या होते हैं, डिप्लोइड जो स्टेज होती है वो ही होती है स्पोर्स, और वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं
थर्ड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है उसके लास्ट में फंजाई है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है जू स्पोर्ट्स, एप्लेनोस्पोर्ट्स वगैरह ऐसे कई स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके अंदर, फंजाई के अंदर। तो वहाँ पे पढ़ते भी हैं बेसिडियोमाइसिट, ड्यूट्रोमाइसिटिस वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी हमारे इस चैनल पर है जहाँ पर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्विक रिविज़न की है। अगला जो है वो है ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिज़म्स देखिए, जैसे प्लेनेरिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में देखिए, रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन इन विच ए फ्रेगमेंट ऑफ बॉडी फॉर्म्स होल ऑर्गेनिजम्स। यानी जो प्लेनेरिया होती है उनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, रीजनरेशन के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से फ्रेगमेंट ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब यही क्या करेंगे, ग्रो करके एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। उसी को हम बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, रीजनरेशन, जिसके द्वारा एक फ्रेगमेंट यानी एक छोटा सा पार्ट वापस एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है, जैसे प्लेन एरिया में होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनमा ऑफ मॉस जिसे हम बोल सकते हो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट किंगडम में आते हैं, रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो। यानी ये भी क्या है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन, फंजाई रिप्रोडक्शन कर सकती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिलामेंटस एल्गी जो एल्गी होती है जो फिलामेंटस, वो प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, मोसिस के अंदर, ये भी रिफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, जो फ्रेगमेंटेशन अभी आपको बताया था वही चीज़। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी केवल सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर साइनोनोमस। साइनोनोमस का मतलब होता है कि यानी एक जैसे ही, ठीक है, एक जैसी टर्म है, यानी एक यूनिसेलुलर होता है। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज साइज करेगा, इंक्रीज साइज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वापस डिवाइड हो जाएगा, टू में स्मॉल सेल्स वापस बन जाएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो लिखा हुआ है सर्टेन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल वर्कर बीज, जो मधुमक्खी होती है ना, जो मधुमक्खी में जो वर्कर बीज होती है, तीन टाइप की क्वीन होती है, ठीक है, ड्रोन और वर्कर बीज, तो जो वर्कर बीज होती है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है। इसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कई ऐसे कपल्स होते हैं जो फर्टिलिटी नहीं कर सकते, यानी रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं बट जो आगे बेबी वगैरह प्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ऐसे कुछ जो कपल्स होती हैं ह्यूमंस कपल, वो भी किस में आते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वर्कर बीज, जो बीज होते हैं मधुमक्खी जहाँ पे वो पूरा छत्ता लगाता है, वहाँ पे एक वर्कर टाइप की बीज होती है जो काम करती है, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसका जो म्यूल होता है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसीलिए लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, हैंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो लिविंग बींग्स नहीं है, क्यों, क्योंकि म्यूल, वर्कर बीज और इनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल्स होते हैं वो भी क्या है, लिविंग बींग्स है, बट इसका मतलब, पर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ऑफ लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल बट इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्वाइवल करना है। अगर कोई लिविंग बींग्स, ठीक है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक वो बिना रिप्रोडक्शन के रह सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, बट अगर उसे अपनी ही स्पीसीज को कंटिन्यू करना है, जैसे ह्यूमन बींग्स, उससे आगे ह्यूमन बींग्स रखने हैं आगे तक, तो उसके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। अगली जो प्रॉपर्टी वो है मेटाबॉलिज्म। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन एक लिविंग बींग्स के अंदर होती है, ठीक है, उस सारी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स की होती है, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिज्म होती है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जो सिंपल है उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, तो ये कहते हैं एनाबॉलिज्म, और जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, कैटाबॉलिज्म। इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी ये जो एक प्रॉपर्टी है, ये लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी अगर ये किसी में, मेटाबॉलिज्म किसी में भी मिलेगी, तो आप मान के चलिए कि वो क्या है, एक लिविंग बींग है,
मेटाबॉलिज्म अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रही है इसका मतलब वो क्या है, लिविंग बींग है। इसके अलावा अगली जो प्रॉपर्टी है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो किससे बने होंगे, सेल्स से, ठीक है, सेल्स से प्रोड्यूस होंगे या उनके प्रोडक्ट से। जैसे सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, तो यानी सेल्स या फिर उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं उसे बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, इट इज़ ऑल्सो, मतलब ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर आप ये बोल सकते हो किसी ऑर्गेनिज्म से में सेलुलर सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट से बनता है ऑर्गेनिज्म, तो आप मान के चलिए कि वो क्या है, एक लिविंग बींग है। इस बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है वायरस। वायरस क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी वायरस क्या है, सेल्स होता है बट वो लिविंग बींग्स नहीं है। इसके अलावा जो अगली प्रॉपर्टी है वो आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी वो एबिलिटी जिसके द्वारा एनवायरनमेंट को सेंस किया जाए, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उनको सेंस कर पाए एंड रिस्पोंड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और जैसे कोई एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसके फैक्टर में तो उसके प्रति रिस्पोंड कर पाए। जैसे सिंपल है कि जैसे हम देखते हैं कि सर्दियों में, ठीक है, हमें कंपकपी होती है ना कई बार, ठीक है, सिरविंग जिसे बोलते हो, वो क्या है कि हम हमें ठंड लगती है धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी क्या है, सिरविंग करने लगती है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। इसी तरह जो गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी के टाइम में क्या होती है, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, ताकि हमारा जो शरीर है वो जो ठंडा रह पाए, ठीक है, जैसे जैसे हवा लगे। तो यही क्या है कि हम एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं गर्मी सर्दी को, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी के अंदर कॉन्शियसनेस है तो आप मान के चलिए कि वो क्या है, एक लिविंग बींग्स है। इसके अलावा जो आगे लिखा हुआ, लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी क्या कर सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है, इवोल्व कर सकते हैं धीरे 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 धीरे, और क्या होते हैं, बेटर टू बेटर एनवायरनमेंट के चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और बेटर करते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, और अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि कैसे वर्क करना है। हम जैसे हम एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आप रेप्लीकेट करता है, ठीक है, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन भी करता है, वो इवोल्व भी होता रहता है धीरे धीरे, हम कहते हैं ना इवोल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटिंग, हम अपने जितना भी वर्क है उसको खुद कर सकते हैं, हम समझ आती है कि ये सर्दी है गर्मी है हमें ये वर्क करना है, तो ठीक है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाहर से हम देखते करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगला जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर कितनी सारी विविधताएं हैं, यानी कितना अलग अलग प्रकार के, जैसे ट्रीज़ भी हम देखते हैं, पेड़ देखते हैं, कितने अलग अलग टाइप के हमें ट्रीज़ दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, कितने अलग अलग प्रकार के हमें एनिमल्स दिखाई दे जाएंगे, तो वो क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, यानी विविधता जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ स्पीसीज रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख से लेकर 18 लाख तक अलग अलग स्पीसीज को डिस्क्राइब कर चुके हैं हम। ये वो नहीं है कि टोटल इतनी ही प्रेजेंट है, नहीं, ये वो है जिसे हमें पता है कि ये इतनी प्रकार की स्पीसीज होती है, जिसे हमने स्टडी किया है, उसे डिस्क्राइब किया है अच्छी तरह से, भाई ये स्पीसीज ऐसे होती है, ये वर्क करती है, यहाँ पे मिलती है, ये सारी चीज़ें वो स्पीसीज है, ठीक है। ये नहीं है कि टोटल जो अर्थ पे इतनी ही स्पीसीज है 17 लाख से 18 लाख, ये नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, साइंटिफिक नेम्स आर गिवन टू ऑर्गेनिजम्स आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्टेबल एट ग्लोबल लेवल, यानी कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे से, ठीक है, उसके बाद उसे एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा जो एक्सेप्टेबल होगा ग्लोबल लेवल पे, यानी कोई एक उसे ऐसा नोम नाम दे दिया जाएगा जो आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जाके वो नाम से उस ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकती हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाम कुछ अलग है इंडिया में, ठीक है, और अमेरिका में कुछ अलग है, चीन में कुछ अलग है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कोई देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कि हम लोकल नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे सांप वगैरह के कई होते हैं कि लोकल नाम देते हैं कि ये वाला सांप है, ये वाला सांप है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक सांप को एक अलग नाम दिया जाता है, हर एक स्पीसीज जो सांप की होती है वो अलग अलग नाम दे दिया जाता है, और उस नाम से उस सांप को आप कहीं भी ढूंढ सकते हो कि ये जो नाम है ये उसी पर्टिकुलर सांप का होगा, स्नेक का,
होगा, तो वो क्या होता है ग्लोबल लेवल पे उस नाम को एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला, नोमेनक्लेचर इज डन एज पर क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, गिवन इन ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमन क्लेचर, यानी जितने भी बोटेनिकल से रिलेटेड है, प्लांट्स वगैरह से जो भी रिलेटेड है उनके नाम को देता है ICBN एंड ICZN। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमन क्लेचर, जितने भी एनिमल्स वगैरह होती हैं ठीक है जिसमें आते हैं वो क्या है उनको कौन देता है ICZN, जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमन क्लेचर होता है वो उन क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं कि ये क्राइटेरिया देते हैं, फिर वो क्राइटेरिया पूरे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है ठीक है। अगला जो टर्म है वो लिखा हुआ है बायोनोमियल नोमन क्लेचर, बायोनोमियल नोमन क्लेचर वॉज गिवन बाय कार्ल्स लीनियस, ये जो एक नोमन क्लेचर था जो हम ऑर्गेनिजम्स को देते हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल्स लीनियस के द्वारा दिया गया था बायोनोमियल नोमन क्लेचर। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, जो इंडियन टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो उसे क्या कहा जाता है, एच शांता पाऊ ठीक है, जो एच शांता पाऊ जो है उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। अब जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं जो वर्ल्ड पे वो देखिए क्या होता है, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, जो भी हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें टू वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट वर्ड इज जेनेटिक नेम, पहला कौन सा होता है जेनरिक नेम होता है, सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपीथेट, जो सेकेंड वर्ड होता है वो क्या होता है स्पेसिफिक एपीथेट यानी उसकी स्पीसीज से रिलेटेड होता है, और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जेंड्रा से यानी जीन से रिलेटेड होता है। नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड, या तो उसके नाम लैटिन में होंगे, अगर वो लैटिन में नहीं है तो हम उन्हें लैटिन में कन्वर्ट करेंगे ठीक है, या तो जो नाम्स होंगे वो लैटिन वर्ड में लिखे जाएंगे, अगर वो लैटिन वर्ड में नहीं है तो उन्हें पहले लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे हम गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं ना, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ऐसे ठीक है, अगर हमें किसी वर्ड का नहीं तो वैसे ही अगर कोई वर्ड है तो उसे पहले लैटिन में कन्वर्ट किया जाएगा, या तो वो लैटिन में होगा, अगर वो लैटिन में है तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाएगा। नेम्स इफ हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइंड, अगर हम बायोनोमियल नोमन क्लेचर जो है साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिजम्स का अगर हम लिख रहे हैं हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, दोनों नाम्स को अंडरलाइन किया जाएगा, जो जेनरिक नेम है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उन दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा, एंड इफ प्रिंटेड अगर हम उन्हें कहीं प्रिंटेड करें तो इटैलिक्स में होंगे, इटैलिक्स यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है मैग्नीफेरेंडी का, तो इटैलिक्स में लिखा हुआ है यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके जो होता है उसे बोलते हैं इटैलिक्स। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जो पहला वर्ड होगा जो जेनरिक नेम होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, एंड द सेकेंड वर्ड विद स्मॉल लेटर, बट जो स्पेसिफिक एपिथेट वाला जो सेकेंड होगा वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा उसका पहला वर्ड, जैसे इंडिका यहाँ पे लिख रखा है तो आई जो है वो स्मॉल है, बट जो मैग्नीफेरा जेनरिक नेम है उसका एम जो है वो कैपिटल है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है मैग्नीफेरा इंडिका जिसे बोलते हैं मैंगो, तो जो मैंगो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, यानी आप कहीं पर भी जाके मैग्नीफेरा इंडिका बोलोगे तो वो समझ आएंगे ये क्या है मैंगो की बात कर रहा, सिंपल है। नेम ऑफ ऑथर इन लास्ट एज एब्रीवेशन, अगर कोई ऑथर है जैसे मान लीजिए मैग्नीफेरा इंडिका अगर कार्ल्स लिनस ने दिया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे मैग्नीफेरा इंडिका लिन LIN, तो ये क्या है कि जो ये थर्ड वर्ड है ये क्या है साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिस्ट जिसने ऑथर ने ये नाम दिया है उस साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम लिखा गया है। फॉर ईज ऑफ स्टडी ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इंटू ग्रुप्स और कैटेगरीज नोन एज टैक्सा, ज़्यादातर हम क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं, कुछ कैटेगरीज बना देते हैं अलग अलग, उसे हम बोलते हैं टैक्सा। टैक्सोन में भी जैसे टैक्सोन में लिखा है टैक्सोन में भी डॉग्स जितने भी सारे डॉग्स हैं वो एक में, मैमल्स जितने भी सारे मैमल्स एक में, वीट जितने भी अलग अलग वेराइटीज़ है जितनी भी स्पीसीज है वीट की वो सारी एक, राइस में भी हम पढ़ते हैं अलग अलग वेराइटीज़ होती है ठीक है वो भी सारी एक में याद आती है, तो वो एक ग्रुप्स बन जाते हैं, ये सभी क्या हैं टैक्सा बोल सकते हो आप इनको। अगला जो टर्म आता है वो आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अगले टर्म क्या आती है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देख लेते हैं, ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी हर एक रैंक या फिर कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी, जैसे डॉग्स की एक कैटेगरी होगी, मैमल्स की एक कैटेगरी होगी, तो उसे हम बोल देंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
आगे लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन सीक्वेंस इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी उनको एक जितनी भी कैटेगरीज है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक जितनी भी कैटेगरीज है उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब यहाँ पे देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की में लिखा गया है सबसे पहले नाम जो आया वो है स्पीसीज, स्पीसीज सबसे पहले आया है। तो स्पीसीज क्या होता है, देखिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी वो सभी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना दिया जाता है जिनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, या फिर आप इसे दूसरी तरीके से कह सकते हो वो सभी ग्रुप्स एक में ही आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, उन सभी ऑर्गेनिजम्स का एक ही ग्रुप बन जाएगा जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनकी एक अलग स्पीसीज बन जाती है, यानी केवल जो स्पीसीज का अगर कोई ग्रुप है तो वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एक स्पीसीज है उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो जितनी भी स्पीसीज वाली होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है एक ग्रुप में। एग्जाम्पल भी लिखा गया मैग्नीफेरा इंडिका इन दिस स्पीसीज इज इंडिका, यहाँ पे हमने पहले बताया था स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज, यहाँ पे जो इंडिका लिखा गया है वो क्या है एक स्पीसीज को दिखाता है, यानी जितने भी इंडिका वाले हैं वो एक स्पीसीज से लिंक करते हैं। आगे जो लिखा गया है वो है जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद कॉमन करेक्टर्स, यानी सभी स्पीसीज को हम एक ग्रुप में बना लेंगे जिनके करेक्टर जो है वो कॉमन है, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया देखिए पैंथेरा इज ए जीनस, जो पैंथेरा है वो क्या है एक जीनस है विच इंक्लूड, जिसके अंदर क्या आता है लायन आता है जिसे हम बोलते हैं पैंथेरा लियो, उसे हम क्या बोलते हैं पैंथेरा लियो, LEO, लियो एक स्पीसीज है जो पैंथेरा जीनस है, लियो पर जो होता है पैंथेरा पैंथेरा पेरेडस, जो पैंथेरा पेरेडस होती है वो भी क्या है एक लियोपर्ड है, तो पैंथेरा क्या एक जीनस है, जो लियो पेराडस है वो क्या एक स्पीसीज है। इसी तरह लिखा है टाइगर्स, यहाँ पे लिखा है पैंथेरा टाइग्रिस, जो पैंथेरा टाइग्रिस है वो क्या है टाइगर, तो टाइगर लॉयन और लियोपर्ड सभी एक ही जीनस में आ जाते हैं, किस में पैंथेरा जीनस के अंदर आ जाते हैं, बट इसके अंदर स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, जैसे लियो पेराडस और टाइग्रिस ये तीन टाइप की स्पीसीज है, बट जो जीनस है वो केवल एक ही है, कौन सा पैंथेरा जीनस है, तो जितनी भी अलग अलग स्पीसीज सेम करेक्टर की होगी उन्हें हम केवल एक ही जीनस में डाल देंगे, उनका ग्रुप बना देंगे, ऐसे ही अब ऐसे चलता रहेगा। फैमिली जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जितने भी रिलेटेड जेनरा है उनके ग्रुप अगर बनाओगे तो वो फैमिली बन जाएगी, जैसे जीनस सोलेनम पिटूनिया और दतुरा, ये अलग अलग जीनस है तीन टाइप के, एक जीनस कौन सा है सोलेनम, एक पिटूनिया है, एक दतुरा है, वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, किससे सोलेनेसी से, टू बिलोंग फ्रॉम सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी फैमिली के अंदर तीन जीनस आ जाते हैं, कौन कौन से सोलेनम पिटूनिया और दतुरा, तो इसीलिए बोलते हैं हम इसे क्या फैमिली। इसी तरह इससे आगे जो टर्म आती है वो आ जाती है ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज यानी अलग अलग जो फैमिलीज है उनको क्या करेंगे एक ही अगर रिलेटेड है तो हम एक ही ऑर्डर में डाल देंगे, देखिए लिखा हुआ है फैमिली कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी, जो सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी फैमिली है वो एक ही ऑर्डर में आती है, कौन सी पॉलीमोनियल्स, यानी वो पॉलीमोनियल्स के अंदर ही आ जाती है, कौन सी फैमिलीज कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी। इसी तरह जो आगे लिखा हुआ है क्लास, क्लास भी क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, अब जो क्लास है वो क्या है उसमें एक टाइप के ऑर्डर आएंगे रिलेटेड जो होंगे, जैसे ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा और कार्निवोरा, जो प्राइमेटा और कार्निवोरा जो क्लास है जो ऑर्डर है वो एक ही क्लास में आ जाते हैं, कौन सी क्लास में मेमेलिया क्लास में आ जाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है फाइलम, फाइलम क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, जो अलग अलग रिलेटेड क्लास होगी उनका एक फाइलम बना दें, उनको ग्रुप बना के, जैसे मेमेलिया पिस्कस एम्फीबिया रेप्टाइल सभी जितने भी अलग अलग क्लास हैं ये, और ये किस में आ जाती है केवल एक फाइलम में आ जाती है और वो फाइलम है कॉर्डेटा, यानी मेमेलिया पिस्कस एम्फीबिया रेप्टाइल सारी एक ही फाइलम में आ जाते हैं ये सारी क्लास, जिसे बोलते हैं कॉर्डेटा। इसी तरह बना देते हैं किंगडम, ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला, जितने भी फाइला वो केवल एक ही ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बना लेगा किंगडम, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया क्या है इंक्लूड ऑन एनिमल्स, जितने सारे एनिमल्स हैं वो क्या है किंगडम बना लेते हैं। ये लिखा भी हुआ है देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है स्पीसीज से, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है स्पीसीज से, स्पीसीज से जाओगे तो उससे बड़ा होता है जीनस, जीनस से बड़ा होता है फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा होता है क्लास, क्लास से सबसे बड़ा होता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम जो आता है वो आता है एनिमल्स के लिए, किसके लिए आता है एनिमल्स के लिए, बट जो डिवीजन आता है वो किसके लिए आता है प्लांट्स के लिए, किसके लिए आता है वो
प्लांट्स के लिए आता है, और उसके बाद क्या आ जाता है, किंगडम आ जाता है। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर आपको सिमिलर करेक्टर देखनी है तो आप नीचे से स्टार्ट कीजिए, जीनस है वो सबसे ज़्यादा सिमिलर करेक्टर मिलेगा, फिर उसमें थोड़े से डिफरेंट करेक्टर हो जाएंगे, फैमिली में थोड़े और डिफरेंट करेक्टर, ऑर्डर में थोड़े और डिफरेंट करेक्टर, क्लास में और डिफरेंट, फाइलम और डिवीजन में थोड़े और डिफरेंट करेक्टर आ जाएंगे, और फिर किंगडम में तो बहुत ज़्यादा अलग अलग आ जाएंगे। जैसे हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में फाइलम आती है 11, जिसे पोरीफेरा, सीलियन, ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेंटियलमंथीज, एस्कलमंथीज, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, तो ये क्या फाइलम है सारी, किसके अंदर आती है, वो केवल एनिमल किंगडम के अंदर आती है। फिर क्लास में जाएंगे तो क्लास में आपको अलग अलग दिख जाएंगे, जैसे अगर कोर डेटा की बात करें तो आते हैं पिस्कस, ठीक है, जो मछलियाँ वगैरह होती है, एम्फीबिया आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एवीज जो बर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, मेमेलिया आ जाती है, वो अलग अलग क्लास आ जाती है। फिर उसके बाद अगर अलग अलग ऑर्डर आ जाते हैं, जैसे प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा ऑर्डर आ जाते हैं, अगर हम मेमेलिया की बात करें, उसके बाद फैमिलीज आ जाती है अलग अलग, उसके बाद जीनस आ जाएगा अलग, और सबसे लास्ट में स्पीसीज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मेन जो कॉमन करेक्टर्स वो स्पीसीज में आते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है वो आ जाती है यहाँ पे, एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे लिखा है कॉमन नेम, फिर जो उसका बायोलॉजिकल नेम है, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन लिखा गया। सबसे पहले अगर बात करें मेन, तो मेन हम कॉमन जो नेम है वो आता है मेन, बट जो बायोलॉजिकल नाम बात करोगे तो वो आता है होमो सेपियंस, जो मेन है, जो ह्यूमन बींग्स जो मेन होता है उसका जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में बात करें तो वो होता है होमो सेपियंस। इसमें होमो क्या है, जीनस है, और जो स्पीसीज सेपियंस है वो क्या है, स्पीसीज है। तो यहाँ पे लिखा गया है जीनस के अंदर जो होमो है वो क्या है, जीनस। फैमिली की बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की, तो होमिनेडी, जो फैमिली कौन सी होती है, होमिनेडी। ऑर्डर किस में आते हैं, ये प्राइमेटा में आते हैं। क्लास कौन सी आती है, एमिलिया, और फाइलम या डिवीजन कौन सी आ जाती है, कोडेटा। किंगडम की बात करोगे तो एनिमेलिया। इसी तरह हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई जो होती है, जो घर में जो मक्खी होती है, उसको जो अगर हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखें तो वो होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ जो जीनस है वो आएगा केवल मस्का, डोमेस्टिका नहीं आएगा, डोमेस्टिका तो स्पीसीज है, तो यहाँ पे जो जीनस आएगा वो क्या आएगा, केवल मस्का। इसके अलावा अगर हम फैमिली की बात करें तो मस्केडी, ऑर्डर की बात करें तो डिप्टेरा, क्लास की बात करें तो इंसेक्टा के अंदर आता है, फाइलम डिवीजन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, किंगडम की बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर आता है। इसके अलावा दो बोटेनिकल दिए गए हैं, पहले दो तो जूलॉजिकल थे, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड दो प्लांट से रिलेटेड है। पहला है मैंगो, मैंगो का नाम हम पढ़ चुके हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस हमें पता है मैग्नीफेरा होगा। फैमिली इसकी होती है एनआरकेडीसी, एनआरकेडीसी जो होती है वो क्या होती है, फैमिली होती है मैंगो की। ऑर्डर की बात करें तो वो होता है सेपियंडल्स, सेपियंडल्स ऑर्डर होता है इसका। क्लास की बात करें तो ये आती है डाइकोटिलेडंस में, और एंजियोस्पर्म इसका होता है डिवीजन। यहाँ पे जो अगर बात करें तो वो क्या था, हमें बताया था प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ करेंगे। वीट का अगर बात करें जो, ठीक है, गेहूं, गेहूं का जो बायोलॉजिकल नोम है वो क्या होता है, ट्राइटिकमा एस्टिवम, ट्राइटिकमा एस्टिवम जो होती है वो क्या होती है, वीट का नेम होता है। ट्राइटिकम जो होती है वो जीनस होती है। फैमिली की बात करें तो पोएसी, ऑर्डर की बात करें तो पोल्स, क्लास की बात करें तो मोनोकोटिलेडंस, और डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्म होगी यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिकल एड्स, आर्टिकल्स हेल्पफुल इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। यानी वो चीज़ें जो हमें हेल्प करती है किसमें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर, उसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहला आता है इसमें हर्बेरियम, सबसे पहला क्या आता है, हर्बेरियम। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। यानी कोई भी प्लांट स्पेसिमेंट लेंगे उसको, ठीक है, स्पीसीज लेंगे, उसको ड्राइड करेंगे यानी सुखाएंगे, प्रेस्ड और प्रिजर्व करेंगे किसके ऊपर, सीड के ऊपर। ये याद रखें किसके ऊपर, सीड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कोई पेज होते हैं ना मैंने, ऐसे उस सीड्स लेंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, उसे ड्राई प्रिजर्व कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। और ये किसको लेंगे, प्लांट स्पेसिमेंट्स को। सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उन सीड्स को कैसे अरेंज करेंगे, उनको अरेंज करेंगे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यानी भाई इनको कैसे क्लासिफाई करके रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम उन सीड्स को अरेंज्ड करेंगे। यूज्ड एज रेडी रेफरेंस इन साइंटिफिक स्टडीज, यानी रेडी रेफरेंस होता है, मतलब जल्दी से अगर आप किसी हर्बेरियम सीड को लेते हैं आपको पता चल जाएगा उस पूरी स्पीसीज के बारे में, ठीक है।
तो इसीलिए वो क्या होता है रेडी रेफरेंस होता है, बहुत जल्दी पता लग जाता है। किसी को एक शीट उठाइए उसके ऊपर उसके बारे में लिखा होगा कि इसका स्पीसीज ये है, जीनस ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए वो रेडी रेफरेंस होता है, बहुत जल्दी उससे हमें पता चल जाता है किससे, हर्बेरियम सीट से। सेकेंड जो है टेक्सोनॉमिकल एड है वो बोटेनिकल गार्डन्स, वो क्या है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, देखिए कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट्स, जो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं लिविंग्स उनको स्पीसीज इन फॉर्म ऑफ गार्डन्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक गार्डन बना लेंगे वहाँ पे उनको रखेंगे, कंजर्वेशन उनको कंजर्वेशन वहाँ पे कंजर्व भी करेंगे, यानी उनको अगर वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, ठीक है, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए एंड स्टडी, उसके अलावा उन्हें स्टडी भी करने के लिए उन प्लांट्स को रखेंगे। एग्जाम्पल लिखा गया है रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के अंदर रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवा होवरा, जो होवरा के अंदर इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी है। इसके अलावा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसके अंदर एक और गार्डन है कौन सा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है लखनऊ के अंदर। इसके अलावा एक और है FRI जो देहरादून के अंदर। तो ये चार टाइप के हैं बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पे अलग अलग लिविंग प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है, किस लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंजर्वेशन और उनकी स्टडी के लिए उनको रखा जाता है। जो थर्ड है टैक्सोनॉमिकल एड वो क्या है, म्यूजियम है। थर्ड क्या है, म्यूजियम। तो यहाँ पे देखिए थर्ड म्यूजियम में लिखा गया है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, जो म्यूजियम है उसके अंदर दोनों चीज़ें रखी जा सकती है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। इसके अलावा लिखा है स्पेसिमेंट्स मे बी प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है उसके अंदर उन जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है, प्लांट्स या एनिमल्स उनको अंदर रखा जाएगा, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, मान लीजिए फॉर्मालिन, क्या होता है उसके अंदर फॉर्मालिन होती है 40%। फॉर्मालिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, वो होगा उसके अंदर, उसके अंदर उनको रखा जाएगा जितने भी आपके एनिमल्स और प्लांट स्पेसीज हैं जिनको प्रिजर्व किया जा रहा है उस म्यूजियम के अंदर। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है स्पेसिमेंट्स मे ऑल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंट, इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जिन्हें हम कैसे कर सकते हैं, ड्राई स्पेसिमेंट की तरह रख सकते हैं, जैसे इंसेक्ट्स एंड स्टफ्ड लार्ज एनिमल्स, या तो जैसे इंसेक्ट होते हैं उन्हें हम ड्राई स्पेसिमेंट की तरह रख सकते हैं, या फिर जो लार्ज एनिमल्स उन्हें स्टफ करके रख सकते हैं, स्टफ होता है उन्हें मतलब बिल्कुल सूखा सूखा कर देंगे और वो एक स्टफ की तरह हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम स्टफ्ड करके रखना। अगला जो होता है वो स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स मे बी ऑल्सो एज म्यूजियम स्पेसिमेंट्स, इसके अलावा जो अलग अलग एनिमल्स के स्केलेटन जो होते हैं उन्हें भी हम म्यूजियम के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज्ड एज एक्चुअल मटेरियल फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी एक्चुअल स्टडी की, वो एक्चुअल में कैसे दिखाई देती है उसकी अगर हमें स्टडी करनी है तो वो कहाँ पे कर सकते हैं, म्यूजियम के अंदर कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देता है, ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, तो उसके लिए भी म्यूजियम सबसे बेस्ट है। अगला जो पॉइंट है वो लिखा है जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है, द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, यानी वो वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर जिन्हें हम क्या कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जैसा उन जैसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सा होता है, ठीक है, उसको हम क्रिएट करते हैं और वहाँ पे उनको रखते हैं और उनकी केयर कौन करता है उन एनिमल्स की, ह्यूमंस केयर करते हैं उनकी। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है जैसे अलीपुर जू, जो अलीपुर में जू है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ न्यू दिल्ली, यहाँ पे अलग अलग जूलॉजिकल पार्क्स हैं, वो भी क्या है जूलॉजिकल पार्क्स हैं जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं ह्यूमन केयर के अंदर। सेकेंड है यूज्ड एज ए टू लर्न अबाउट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स उनके हमें फूड हैबिट के बारे में पता चलता है और उनके बिहेवियर के में कि वो कैसा बिहेवियर, उनका एग्रेसिव है या वो शांत बिहेवियर है, तो उसके बारे में भी पता चलता है जूलॉजिकल पार्क में। लाइफ साइकिल फॉर इंसेप्टिव ब्रीडिंग, इसके अलावा जो इंसेप्टिव ब्रीडिंग्स भी कराई जाती है उनके, ताकि जो वो अगर विलुप्त होने वाले एक्सटिंक्ट होने वाले तो भी हम उन्हें सेव कर पाएँ। अगला जो है वो टर्म है की, अगली टर्म क्या है की है, यहाँ पे पहले देखिए टैक्सोनॉमिकल एज्ड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड एज कपलेट, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर, उन्हें हम क्या बोलते हैं कपलेट बोलते हैं।
कपलेट्स हैज़ टू ऑपोजिट स्टेटमेंट ईच कॉल्ड लीड। तो हमने अभी भी बताया था कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब वो ऑपोजिट होता है, और अगर हम ऑपोजिट स्टेटमेंट लेंगे तो उस दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, लेड। उन्हें क्या बोला जाता है, लेड बोला जाता है। सेपरेट कीज फॉर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नीडेड। इसके अलावा अलग अलग जो जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होगी उनके लिए अलग अलग हम कीज को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम की बात करें तो वही बात है, यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, और किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाइड करने के लिए भी की का यूज़ करते हैं। अगली जो टर्म है वो है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होती है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन इन एरिया। यानी कोई एक एरिया है जहाँ पे उनका हैबिटेट और में डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है प्लांट्स में वगैरह में, तो उसे को हम बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा ऑल द एनिमल स्पीसीज ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक जंगल है, रेन फॉरेस्ट मान लीजिए, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो उनको क्या बोलेंगे, हम एक फ्लोरा बोलेंगे। इसके अलावा अगली जो टर्म है वो लास्ट मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, हेल्प डिस्क्रिप्टिव ऑफ स्पीसीज इन एरिया। एक एरिया के अंदर वहाँ पे कितनी सारी स्पीसीज मिलती है उसी को हम बोलते हैं मैनुअल। यूज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स। इसके अलावा उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेम आइडेंटिफाई करने में, किसको आइडेंटिफाई करने में, नेम को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।